Your work always tells a story. Let's have a close look. देसी क्लोज लुक देखने वाले सभी दर्शकों को शैली का प्यार भरा नमस्कार और सत श्री अकाल. वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड. आज के इस देसी क्लोज लुक एपिसोड में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर निशा डोगरा जी के साथ. इनकी जो थेरेपी है बहुत ही डिफरेंट और यूनिक है एंड शी इज़ अ वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन. आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे अपने पेन को हम मैनेज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं. नॉर्मल तरीके तो हमको पता ही है कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं और कभी हम अपने घर में भी घरेलू नुस्खे भी ट्राई करते रहते हैं. बट ये एक जो इनकी थेरेपी है, शी हैज़ डन लॉट ऑफ स्टडीज़ इन दैट, तो उनसे हम पूछते हैं. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर निशा डोगरा. डॉक्टर निशा डोगरा, वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग एपिसोड ऑफ देसी क्लोज लुक. देसी क्लोज लुक में हमारी कोशिश रहती है कि हम कम्यूनिटी को डिफरेंट लोग लेके आएँ जो थोड़े हटके और वेरी हुआ वेरी पैशनेट अबाउट देयर वर्क. सो इस एपिसोड में हम आज आपसे बात जो करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि आपकी जो थेरेपी, हाउ इज़ इट डिफरेंट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर स्टफ. क्लोज लुक देखने वाले सबको मेरी प्यार से नमस्कार एंड सत श्री अकाल ऑल्सो. एंड आई ऑनर टू बी हेयर बिकॉज आई नो दैट इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम एंड जो देखने वाले हैं वो भी ब्यूटीफुल हैं और बहुत बढ़ावा देते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई इन्वेंशंस और नए नए प्रोग्राम्स का. सो मैं तहे दिल से अपना धन्यवाद देती हूँ उनको और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये बताने के लिए कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें हमें आप इनवाइट करते हैं और जो हमारी सेवा है कम्युनिटी की और उसमें आपका भी साथ है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है. और मैं बताने के लिए कि हमने जो इन्वेंशन की है वो है पेन मैनेजमेंट के ऊपर, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी पेन से भरी होती है, तकलीफ़ बहुत होती है. और बहुत सारे ये कहते हैं कि हमने सर्जरीज भी करवा ली, हमने जितने परहेज होते हैं देसी नुस्खे भी कर लिए, फिर भी दर्द हटती नहीं है. खासकर जैसे बैक पेन का बहुत कॉमन है. आज भी मेरे पास एक पेशेंट आया था, कह रहा था कि मेरे को 20 to 40 पाउंड मेरे को एवरी डे मेरे को सामान उठाना ही पड़ता है और मेरे को इतनी बैक पेन है लेकिन फिर भी मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे उठाने पड़ता है. तो आई फील सो मच, मुझे भी दर्द महसूस होता है कि कितना मुश्किल है. हम तो यहाँ चेयर पे बैठ के कहते हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए, लेकिन जो खुद फील्ड में होते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या जो ड्राइवर्स होते हैं जिनको लॉन्ग सिटिंग होती है और जो ट्रक चलाते हैं या फिर कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हैवी लोड करना या पैकेजिंग का काम है. टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी और जो पैकेजिंग क्या होते हैं, इतने बड़े बड़े बॉक्सेस उठाने हैं और जो फर्नीचर का काम करते हैं, तो वो उनके लिए तो ये रिक्वायरमेंट है बिकॉज दैट इज ब्रेड एंड बटर फॉर देम. एब्सोल्युटली. तो कैन यू जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर बैकग्राउंड कि आप ये जो मैं पढ़ रही हूँ एडवांस्ड जीनोमिक्स, व्हाट इज इट ऑल अबाउट. आई नो यू आर अ PhD इन जेनेटिक्स, तो क्या है जेनेटिक्स के बारे में, हाउ इज इट वर्किंग विद द पेन, ये पेन के साथ कैसे इसका क्या ताल्लुक है. बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए कि जब मैं रिसर्च कर रही थी, जब मैं PhD कर रही थी, तो हमने ज़्यादा जो मेरी PhD का जो फील्ड था उसमें था कि जीन क्लोनिंग. अच्छा, कि जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग तब नई नई चली थी, मैं 1985 की बात कर रही हूँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेरी PhD मॉलिकुलर बायोलॉजी में है. तो उसमें क्या होता था कि जीन्स की क्लोनिंग होती थी, कि एक जीन को दूसरे जीन के साथ क्लोन करते थे ताकि उसके करेक्टर्स उसमें शिफ्ट हो जाएं और फिर नए करेक्टर बनते हैं. तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन होती है कि सेल्स को थोड़ा सा ओपन करते हैं ताकि उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए, उसमें नई चीज़ें आएँ. तो ये टेक्नोलॉजी देखिए हमने 1985 में एज ए रिसर्च यूज़ की थी. और अभी जो है इसको धीरे धीरे इन्होंने ड्रग में यूज़ किया इस टेक्नोलॉजी को, उसके बाद ड्रग डिलीवरी में यूज़ किया और
अभी जो है ये पेन मैनेजमेंट में यूज़ हो रही है, और जो मेरे को बड़ी खुशी हुई है ये कहते हुए कि हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। उसका ये होता है कि जब भी पेन होती है तो जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, और अगर सिंपल जो प्रोग्राम देखने वाले मैं उनको ये कहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हाथ में सेब पकड़ा है और सेब हाथ से गिर जाता है तो जहाँ से गिरता है वहाँ से आपने देखा होगा वो रेड रेड एरिया बन जाता है, दाग पड़ जाता है, और फिर वो दाग जो हटता नहीं है वो फैलता जाता है और कुछ देर अगर पड़ा रहे 3-4 दिन तो उसमें फंगस ही ग्रोथ हो जाती है, वाइट आना शुरू हो जाता है, तो दैट्स फंगस, दैट मीन इन्फेक्शन भी हो जाती है। जो एरिया आपके बॉडी में अगर डैमेज हो जाए, टॉक्सिन्स जो हैं उसमें इकट्ठे हो जाए, तो उसके बाद उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और साथ में इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर होता आ जाता है। फिर उसका नुकसान क्या होता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं, जो एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के साथ मैच करता है, उसमें सिनोवियल फ्लूइड होता है, दैट जस्ट लाइक ए कुशन। I'm just going to cut you over here. जैसे आप कह रहे हो सिनोवियल फ्लूइड, या हम अपने अभी घुटने की बात कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ये तो बेसिक आपका फाउंडेशन ही हो गया ना, एंड आई थिंक 60-70% लोग इसी से परेशान होते हैं, एक पीछे बैक की पेन ज़्यादा होती है और ये होती है। चलो पेन भी है, हम पेन की भी बात करेंगे आगे जाके, और आपकी ये जो थेरेपी है और किस चीज़ में यूज़ होती है? ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन है ये हमने बेसिकली पेन मैनेजमेंट पे, और इसका मेन क्या है कि ड्रग डिलीवरी है। अब देखिए जितने आप सपोज आप इंजेक्शन से करवा रहे हैं, आप कई बार देखा कहीं वो ऑयल लगाते रहते हैं, मसाज करते हैं, कई एक्यूपंचर करते हैं, कई कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बैंडेड करते हैं, मलते रहते हैं ना, बाथ लेते हैं कहीं अलग अलग, तो वो होता है कि आप उसको थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि जो प्रॉब्लम आती है, जो मेडिसिन आप खाते भी हैं, एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेडिसिन आप खाते हैं तो वो आप डाइजेशन के थ्रू जाते हैं, क्योंकि आप गोली को मुंह के अंदर लेते हैं, उसके लीवर में वो मेटाबोलाइज होती है, फिर उसमें कुछ मटेरियल जैसे कहते हैं डायरेक्ट नहीं जाता, साइड इफेक्ट हो जाते हैं, और थोड़ा ही पहुँचता है, और वो भी अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक है तो। और जब ऐसी पेन्स होती हैं या और भी कई कारण हैं, मैं कभी पूरा कवर करूँगी कि कैसे बनती हैं बॉडी में, कैसे फैलती हैं और कैसे हमारे ऑर्गन्स टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं, वो मैं किसी और दिन कवर करूंगी, टाइम है अभी तो मैं इसके लिए ड्रग डिलीवरी की ओर बात करें तो उसमें बाय ड्रग डिलीवरी यू मीन कि जो हम दवाई दे रहे हैं वो कैसे बॉडी के अंदर हम पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू मीन कि जैसे हम जाते हैं पेन मैनेजमेंट के, हम डॉक्टर के पास गए, पेन किलर लिया, खा लिया, तो लिवर में भी गया, लिवर में मेटाबोलाइज हुआ, और फिर थोड़ा सा जो हमारे पेन रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक कर दिया, बस है ना। तो वो सिम्टम बिल्कुल वहीं पे सिम्टम्स ही है, कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है ना। वो होता है कि उसको बोलते हैं पेन कंट्रोल या पेन किलर्स, जैसे आप कहते हैं, जैसे अगर थोड़ी पेन होती है तो मैं नाम नहीं लेना चाहती कि आप पेन किलर्स लेते हैं या ओवर द काउंटर मेडिसिंस लेते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा होती है, और मेरे को बहुत सैड होता है सुन के कि वो जैसे मॉर्फिन लेना शुरू कर देते हैं, है ना, जिनको बहुत कहते हैं कोई और चारा ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसके साथ थोड़ी देर के लिए हमें आराम रहता है, क्योंकि लोग कंफर्ट देके आराम हो जाए और जिसको काम भी करना है तो इसलिए वो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी है, लेकिन उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो ड्रग डिलीवरी की बात करें कि जैसे मैं इंजेक्शन की बात, इंजेक्शन होता है कोई भी गोली है या दवाई लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, आप मुँह के थ्रू लेते हैं तो वो उसको इंजेस्ट करते हैं, तो वो 100% वहाँ पर नहीं पहुँच पाती जहाँ पर तकलीफ हो रही है, अगर बैक में हो रही है, नी में हो रही है, शोल्डर में हो रही है, क्योंकि वो थोड़ा हिस्सा ही जाता है, फिर भी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है, और मोस्टली आपने देखा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, मेटाबोलाइज पूरा नहीं कर पाती, तो इसीलिए उनको वो दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, कहते हैं ना बहुत हमने बहुत दवाइयाँ खा ली असर नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी इसमें है कि जिस एरिया में आपको दर्द हो रही है वहाँ ही वो मेडिसिन है वो सही जगह जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके नी में दर्द हो रही है तो नी में क्या होगा कि जिस एरिया पे हो रही है उस एरिया में वो जैसे मशीन के थ्रू, इलेक्ट्रोपोरेशन जो मशीन की है उसके थ्रू वहाँ पे उस उन सेल्स को एक मिनट के लिए सेल खुलता है और फिर ड्रग अंदर जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगना है, कोई सर्जरी नहीं करनी है ना, नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है, और इसमें क्या है कि मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है क्योंकि सारी नेचुरल मेडिसिन हैं, और राइट वे जहाँ पेन हो रही है उसी एरिया में जाके उस मेडिसिन ने अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को कम करना है, अगर टॉक्सिन्स है टॉक्सिन्स को रिमूव करना है, और अगर जैसे सिनोवियल फ्लूइड या किसी चीज़ की कमी है उसको ठीक करना है, और अगर वियर एंड टीयर हुई है, अगर कोई टिश्यू डैमेज हुआ है तो उसको कनेक्शन
ऑपरेशन करना है उसको रिपेयर करना है. सो दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी फार्मूला. इफेक्टिव सुनने में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पता है जैसे कि अगर सिनोवियल फ्लूइड नहीं है तो बोन के साथ आपकी बोन रगड़ रही है कि आप की बॉडी तो अब तो योर गॉन, अब तो नी सर्जरी होगी, है ना. सो मैं सोचती हूँ कि अगर हमारी बॉडी जैसे भगवान ने बनाई है जिस पैकेज के साथ आई है तो वी हैव दैट पावर टू हील आर सेल्व्स. हमारी बॉडी में इतनी शक्ति है कि हमारी बॉडी खुद को हील कर ले. जैसे एक बार मैं आपसे बात भी करी थी तो आपने मुझे वो जो बात कही अभी तक मेरे दिमाग में है कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके अंदर तो कोई इंजेक्शंस नहीं लगते ना, वो पट्टी बांध देते हैं टाइट करके, यू नो प्लास्टर बांध देते हैं एंड देन द जो आपकी बोन है वो खुद ही हील होती है. तो ऐसे ही बाकी चीज़ें भी हील हो सकती हैं चाहिए और होती भी हैं. लेकिन ये भी जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले ये ज़रूरी है ये फाइंड आउट करना कि मेरे को पेन क्यों हो रही है और किस एरिया में हो रही है. मैंने बहुत सारे देखे जैसे नी पेन हम कहते हैं जनरली कहते हैं, तो जब हम असेसमेंट करते देखते हैं कि उनके नी में पेन नहीं हो रही थी, नी के या नीचे हो रही थी या बिल्कुल ऊपर हो रही थी है, या नी के नीचे हो रही होती है, तो कई बार ब्लड वेसल्स क्लॉग्ड होते हैं तो उनके साथ भी हो सकता है. जब ब्लड सर्कुलेशन पूरी नहीं होती है उसके साथ भी होता है, लेकिन जनरली हम कहते हैं नी पेन हो रही है. आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर निशा डोगरा जी से. आज हम बात कर रहे हैं उनकी ये जो नई टेक्निक है इसके बारे में. बहुत लोकलाइज्ड कहते हैं कि लोकलाइज्ड अगर आपको पेन है इंस्टेड ऑफ इंजेस्टिंग द मेडिसिन आप हम खाते हैं तो वो उतनी इफ़ेक्ट नहीं करती जितनी करनी चाहिए. तो जो इनकी टेक्निक है ये बता रहे हैं कि हम लोकलाइज्ड एरिया में फिर दवाई देते हैं. जो दवाई देने का तरीका है वो भी बहुत यूनिक है. तो अभी मैं इनसे अगर मैं डॉक्टर निशा जी, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लेट्स से कोई आपके पास पेशेंट आते हैं जी. तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, कि शुरू से आप मुझे बताओ कि क्या प्रोसीजर है, कैसे आप उनको असेस करते हो, कैसे देखते हो कि इनका खाने पीने का क्या हिसाब किताब है, आप सब कुछ यू टेक एवरीथिंग. ये ऐसा है कि ये होलिस्टिक भी होता है और जैसे मैंने कहा कोई भी बीमारी जो है आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं आती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है कनेक्टेड है पूरी, है ना. तो इसमें जो हम खाना खाते हैं उसका असर भी होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो कितना एसिडिक है. अगर पेन्स की बात करें तो जितनी बॉडी हमारी ज़्यादा एसिडिक होगी और उतनी ही दर्द और तकलीफें ज़्यादा होंगी और हीलिंग उतनी डिले होगी. अगर हमारी बॉडी स्लाइटली अल्कलाइन हो तो हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो खुश भी रहते हैं और हमारे पेन भी नहीं होती है और हीलिंग. हाउ डू वी नो कि हमारी बॉडी एसिडिक है? ऐसा है कि हमारे पास जो जैसे जो आते हैं हमारे पास एक बहुत सिंपल मेथड है उसको जैसे पीएच टेस्ट भी कहते हैं. उसमें क्या होता है कि हम सलाइवा क्योंकि सलाइवा का एकदम पता लग जाता है तो सलाइवा के साथ तो वो टेस्टिंग स्ट्रिप्स होती है वो चेक करके उसमें पता लगाते हैं. अगर न्यूट्रल है तो पीएच 7 होता है. अच्छा. या और अगर जैसे जैसे लोअर ले जाता है 6 हो जाएगा 5 होगा तो इसका मतलब हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है. और अगर थोड़ा हायर वैसे 7.5 से ऊपर नहीं जाता नहीं। अगर 7.2-7.5 है दैट इज कॉल्ड स्लाइटली अल्कलाइन और इतना होना भी चाहिए. न्यूली बॉर्न बेबी जो होते हैं उनका बिल्कुल न्यूट्रल होता है या स्लाइटली अल्कलाइन. सो द होल प्रोसीजर इज टू न्यूट्रलाइज टू बैलेंस. जो न्यूट्रलाइज स्टेज में होते हैं बैलेंस स्टेज में होती है हमारी बॉडी और हमारे बॉडी के सेल्स उसमें बैलेंस होते हैं और बिल्कुल उनका वो जो इनटेक एंड आउट गोइंग जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है. कि जैसे जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल्स के अंदर जाएंगे, वो जो भी उनकी मशीनरी या काम करेंगे और जितना वेस्ट बनता है वो बाहर आए, टॉक्सिंस वगैरह. सो ये जो आप कह रहे हो एसिडिक है तो या अल्कलाइन, हम बैलेंस क्रिएट करना है. सो दैट इज एक्चुअली मैनेजिंग द टॉक्सिंस ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, क्योंकि टॉक्सिंस हमारे क्लियरिंग द टॉक्सिंस. तो ये टॉक्सिंस तो हमारे पता नहीं कब से हमारी बॉडी में हम यू नो आजकल के अगर हम फूड देखें वी आर नॉन वेज खाते हैं, चिकन मीट गोट सारा कुछ खाते हैं, उसके टॉक्सिंस देख लो. फिर दवाइयाँ लेते हैं तो पानी भी हम पीते हैं, सोडाज भी हम पीते हैं. अच्छा लोग शराब सिगरेट सारा कुछ, तो वी आर जस्ट इतने टॉक्सिन्स हम अपने अंदर डालते जा रहे हैं. तो फिर हम बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, पेन है, यहाँ पेन है, वहाँ पेन है, तो बॉडी कैसे बेचारी रिएक्ट करेगी. हाँ शैली जी, ऐसा होता है कि जो भी हम खाते हैं अगर मुंह से खाते हैं और जो भी लिक्विड लेते हैं जब फूड लेते हैं उसकी हर एक ही केमिस्ट्री है
कि वो अल्कलाइन है या एसिडिक है. अगर हम एसिडिक फूड की बात करें तो जितने भी फूड होते हैं, जैसे आपने नॉनवेज की बात की है, वो भी एसिडिक हैं. इवन के कुछ फ्रूट्स हैं वो भी एसिडिक हैं. और जैसे जूसेस हैं, अल्कोहल है, ये तो एसिड है ही है. तो ये हमारे बॉडी में जाके रोज़ की जो इकट्ठा होता है तो उसमें से जो टॉक्सिन्स है पूरी तरह से क्लियर नहीं होते हमारी बॉडी में रहते हैं कुछ. तो अगर हम पानी है, अगर पानी हम वार्म वाटर पीते हैं तो उसके से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं. अगर ठंडा पानी पीते हैं तो डिपॉजिट हो जाते हैं. ये भी है. इवन के वाटर भी होता है, अल्कलाइन वाटर भी होता है, और जो नॉर्मल पीएच का पानी है, जो लोअर एसिडिक भी पानी होता है, उसकी पानी की बात किसी और दिन करेंगे. वो भी ह्यूज टॉपिक. तो ये सारे जो भी हम खाते हैं उसका जो एसिड है कुछ तो क्लियर हो जाते हैं, जैसे तो कुछ जो होते हैं बॉडी में रहते हैं. तो इनका होता है कि इससे हमारे जो हमारी बॉडी है 100 ट्रिलियन सेल्स की बनी है. तो जो सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जिसकी मैं जीन्स की बात करें जो मेरी स्पेशलिटी है. तो मैं एक यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. बहुत सारे लोग जो ओल्डर हैं, चलो मैं ये सोचती हूँ, जो मैं समझ रही हूँ कि जो प्रिवेंशन है, यंगर लोग हैं, 40s में हैं, 30s में है, तो उनकी तो प्रिवेंशन होगी. व्हाट अबाउट ओल्डर पीपल जिनका टॉक्सिन्स बैठ ही गए हैं अंदर, सेटल डाउन हो गए हैं? हाँ जी, ऐसा कि उनके लिए फिर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. जैसे कहते हैं ना, घर जितना पुराना होगा वो उतनी ही रिपेयर मांगता है ना. तो कुछ लोग तो बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं अपने आप को, और लेकिन कईयों के साथ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कि चेंज करने के लिए कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, आप ऐसा करिए ऐसा करिए. जैसे लाइफस्टाइल चेंज करना, आई थिंक लाइफस्टाइल से पहले उनका माइंडसेट चेंज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि भी माइंडसेट कैसे चेंज करें. एंड डू यू थिंक डॉक्टर निशा जी, दैट जस्ट अलॉन्ग विद द फूड, कि खाने के साथ साथ हमें थोड़ा सा अपने माइंड को भी स्ट्रेस फ्री रखने की आदत डालनी चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन की तरफ या एनीथिंग एल्स जिससे हमारा स्ट्रेस मैनेज होए? जी शैली जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी जैसे बैलेंस होना है तो ये बॉडी एंड माइंड का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है. और मैं ये कहती हूँ कि जितना स्ट्रेस फ्री रहें, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, और योगा का रोल भी काफ़ी है. और मैं ये कहूँगी कि आपको दिन में कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि डे टू डे जो कुछ हमारी बॉडी में होता रहता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और कुछ ना कुछ मिक्स हो जाता है. जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं डीप फोकस्ड, उसमें क्या होता है कि जब आप फोकस करते हैं तो आपके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें सारी बैलेंस हो जाती है, आप बॉडी टोटली न्यूट्रलाइज स्टेज में आती है. और मैंने सही टाइम बताया था कि सुबह 3 बजे से 4 बजे का टाइम होता है, उसको अमृत वेला कहते हैं. उस समय हमारी बॉडी जो है बिल्कुल फ्रेश और चार्ज होती है. और सोने का टाइम मैंने बताया था रात को 10 बजे से लेके सुबह आप 3 बजे 4 बजे तक जैसे है हम सोते हैं, लेकिन आप 9 बजे सो जाएंगे तो सुबह 4 बजे तक आपकी एनफ स्लीप हो जाती है. और मैंने ये भी बताया कि हमारी बॉडी जो है चार्ज होती है. आप कितने भी थके हुए हों, जब रात को आप सोते हैं तो आपकी बॉडी के जीन्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं. एडिटिंग होती है जीन्स की भी, कि जितनी भी डैमेज होती हैं, जैसे आपने कहा कैसे खाना खाया, कैसे लाइफस्टाइल रही, कितनी स्ट्रेस हुई, हर किसी के ऑफिस की टेंशन है, इधर की टेंशन है. तो जब हम रात को सोते हैं वो डीप स्लीप होती है. एक होती है टूटी टूटी सी नींद आती है, एक जो डीप स्लीप होती है उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के जीन्स जल्दी रिपेयर होते हैं. और फिर जब अमृत वेला उठ के आप 4 बजे उठ के आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो वंडरफुल टाइम. तो उसमें आपकी पूरी बॉडी जो है चार्ज पॉजिटिवली हुई होती है. यू आर स्टेइंग विद ग्रेटिट्यूड, भगवान का थैंक यू करते हैं. लेकिन ये तो तब है जब रात को नींद आए. बहुत सारे लोग हैं जिनको रात को नींद ही नहीं आती है, तो उनसे सुबह उठा भी नहीं जाता है. तो हाउ डू यू सजेस्ट कि नींद को कैसे बेटर करा जाए? इसके लिए हमारे पास स्लीप जो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है बहुत अच्छा है, स्लीप लाइक ए बेबी. अच्छा. तो उसमें हम ये बताते हैं कि जो आप सोते हैं आपका बेडरूम कैसा होना चाहिए. अच्छा. उसमें है कि बेडरूम में गैजेट्स नहीं होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होने चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं वो आपके जो माइंड के वो चार्जेस को डिस्टर्ब करती हैं. तो सेल फोन नहीं होने चाहिए, आपका टीवी वगैरह नहीं वहाँ होना चाहिए, और टोटली डार्क हो उसमें, और बिल्कुल बेड जो कंफर्टेबल होना चाहिए. और मैं कहती हूँ अगर सोने से पहले अगर शावर ले लें, वार्म शावर लेके फिर आप सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी. और सोने से पहले अगर 5 मिनट भी अगर भगवान को याद करके सोएंगे तो आपको
अच्छी नींद आएगी, डीप स्लीप आएगी, क्योंकि अगर वो हमारे जो दिन में जो हो रहा है अगर वो सब हमारे दिमाग में रहेंगे तो वो फिर सपने भी वैसे ही आते हैं. That's so true. So another question that's coming up, मेरे जो दिमाग में एक और question आ रहा है कि let's say किसी को pain है, क्योंकि हमारे जो community pain में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा pain में है, तो फिर भी बेचारे pain killers खा के हम लोग चलते जा रहे हैं. तो अब अगर आपके पास कोई आता है तो उसको कितने time में relief मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शैली जी. इसमें यह है कि असेसमेंट होती है, जैसे फर्स्ट टाइम मेरे को कॉल करके लोग आते हैं अपॉइंटमेंट बेसिस पे, क्योंकि नहीं तो वेट करना पड़ता है. असेसमेंट है कि आपको पेन क्यों हो रही है, किस एरी में हो रही है और उसका कारण क्या है, वो बता देंगे. उसके बाद जो ट्रीटमेंट है, कई बार जैसे डाइट प्रोग्राम तो बनाना पड़ता है कि डाइट आप कैसी खा रहे हैं, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलते हैं. प्लस कई बार थेरेपीज होती है, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोपोरेशन थेरेपी है अगर डीप पेन हो रही है. कईयों को 5 साल की पेन होती है, कईयों को साल की है, कईयों को 10-10 साल की पेन भी है. तो डिपेंड्स कि कितना डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से असेसमेंट करके हम ये बताएंगे कि आपको कितनी ट्रीटमेंट्स लेने पड़ेंगे. 4 ट्रीटमेंट्स हैं, 6 ट्रीटमेंट हैं या ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट में ही आराम ज़रूर आएगा, पता लगेगा कि ये वर्क कर रहा है, दिस इज़ इफेक्टिव. क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी को अगर होती है पेन तो पेन को इस ज़्यादा समझते हैं. और जब मेरा दुख होता है जब कहते हैं हम कि इतनी इतनी मेडिसिन्स खा रहे हैं, इतने हाँ ट्रीटमेंट्स किए हैं, इतने मतलब सर्जरी करवा के भी कईयों को नहीं आराम आता है. सच्ची बात है, देयर इज़ नो गारंटी कि सर्जरी के बाद आपको रिलीफ मिलेगा. तो डॉक्टर निशा से हम बात कर रहे हैं आज जेनेटिक्स की और जीनोमिक्स की, कि किस तरीके से ये पोर्स को या सेल्स को खोलते हैं 1 मिनट के लिए और फिर उसके अंदर दवाई डाली जाती है. एक इनके पास स्पेसिफिक टूल्स हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप वेबसाइट्स और इनके फ़ोन नंबर्स भी देख सकते हैं, या आपको अगर कहीं पर परेशानी हो रही है या कोई क्वेश्चन है, आप देसी क्लोज लुक को भी पेज में भी या देसी क्लोज लुक का जो फ़ोन नंबर है वहाँ पे भी आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं. मेरे साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, शैली सिंह मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो आज हमने बात करी डॉक्टर निशा डोगरा जी के साथ. देयर इज़ सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम इस थोड़े से टाइम में जितनी मैं है और कर सकती थी और जितनी डॉक्टर निशा जी दे सकते थे, बहुत कंप्रेस्ड नॉलेज है ये. देयर इज़ मच मोर. तो अगर आप किसी भी पेन से, किसी भी दर्द से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि अब लाइफ में कोई ऑप्शन बची नहीं है, तो एक बार फिर से सोच लीजिएगा. ऑप्शंस बहुत सारी हैं, थोड़ा सा आप डेफिनेटली उनको एक्सप्लोर ज़रूर करिए. सो लेट्स, आई थिंक यू हैव एनी लास्ट वर्ड्स टू से शैली जी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी अगर तकलीफ़ें हैं और उनका आपको होता है कि इसको ये इस बीमारियों से छुटकारा डालना है या आप दवाइयों से छुटकारा डालना है और एक और एक लाइफ, अपने आप को लाइफ को एक और मौका दें जिसमें कि आप बिना बीमारियों के और बिना दवाइयों के एक खुशहाल और बढ़िया ज़िंदगी जी सकते हैं, तो वी आर हेयर टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आपसे बात करके. एंड आप देखते रहिए देसी क्लोज लुक एंड वी विल ब्रिंग यू अनदर एपिसोड ऑफ देसी क्लोज लुक जस्ट लाइक दिस वन वेरी सून. थैंक यू एंड बाय बाय.